गुड इवनिंग डियर्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आई एम राना टेलर फ्रॉम अलीगढ़ इंडिया। आज हम कुर्ते की वीडियो बना रहे हैं, कुर्ते की कटिंग करते हैं। मार्किंग देखिएगा आप, जिसके शोल्डर डाउन 3 इंच है और पेट और चेस्ट में 2.5 इंच का फर्क है, यानी पेट 2.5 इंच ज़्यादा है। तो देखिएगा किस तरह से इसकी कटिंग होती है। तो दोस्तों, ये हमारा फैब्रिक है, ये हमने ये मोड़ लिया और इसका मार्क करते हैं। अब शुरू करते हैं कटिंग। इसका मेजरमेंट है कुर्ते का 40 लेंथ है, 45 चेस्ट, पेट दोस्तों 2.5 इंच बढ़ती है, 47.5, 47.5 स्लीव है, 24। इसका होल रखा जाएगा 80 का 12.5, 12.5 शोल्डर है 19, और दोस्तों कॉलर है 17.5, 16 3/4। दोस्तों शोल्डर डाउन है इसके, SD है, शोल्डर डाउन 3 इंच, शोल्डर डाउन 3 इंच, लेंथ 40, 45, 47.5, 24 स्लिप, 12.5, 19 शोल्डर, कॉलर 17, 16 3/4। दोस्तों शुरू करते हैं 47। अब इसका हिसाब है, पेट है, अगर चेस्ट ज़्यादा होता तो चेस्ट के हिसाब से हम इसका दामन का हिसाब लगाते हैं, पेट ज़्यादा है पेट के हिसाब से लाएंगे। ये है 47.5, इसका आप आधा कर लीजिए, यानी 48 होता तो 24, एक फीट कम कर लो 24, 24 में हम फौरन जोड़ लेते हैं, इसमें 5 इंच लूज करते हैं, तो 24 और 5 29, 14.5 पे आप निशान लगा लीजिए, यहाँ पर 14.5, 14.5। दोस्तों अब इस निशान पर हम ये दामन सेट करते हैं, ये फोल्ड कर लेते हैं 14.5 पर, इसको सीधा करके ये हिलाकर ये रख दिया। दोस्तों मार्किंग शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 40 लंबाई है, तो सबसे पहले तो हम सीधा ये जहाँ कटिंग होगी हमारा ये मार्क करते हैं, 1/2 इंच ये हम ऊपर निशान लेते हैं, ये हमारी बेस लाइन हुई। 40 लेंथ है कुर्ते की, तो 1/2 इंच बढ़ा दिए, 47 लीजिए, 40.5 ये मार्क आ गया। दोस्तों उम्मीद है ये नज़र आ रहा होगा आपको कमरे में। दोस्तों इसको यहीं से चेस्ट का चौथाई लीजिए 1/4, तो 11.25 होता है, लेकिन 1/2 इंच तक तो हम पहले ही शर्ट में उसमें सभी में लेस करते हैं, 11.25 ये हो गया, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा 11.25, हम 11.25 से ज़्यादा नहीं रखते ज़्यादा, कभी भी 11.25 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। उसके अलावा अगर शोल्डर डाउन ज़्यादा होती है तो उसके बाद बढ़ा देंगे हम, वो अब हमारा निशान आगे बताएंगे। सीधा हम स्ट्रेट लाइन करते हैं इसको अकॉर्डिंग टू गुनिया, यानी एंगल में 90 डिग्री के एंगल में ये लाइनें चलती हैं सर। गुनिया क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, हमारी नज़रों के हिसाब से ये सही है। हमने लटक कितनी करी थी, ये हमारा 10/10 है, 10/10 10:30 पर ये मार्क यहाँ कर लीजिए, हल्का सा पेट का नहीं, पेट आके गिरेगा। दोस्तों अब हम निशान लगाते हैं चेस्ट का चौथाई, 45 11/45 पे एक मार्क कर दीजिए, इसको 1/2 इंच लूज कर दीजिए, 1/2 इंच लूज काफ़ी है, मीडियम में, टाइट फिटिंग कोई चाहता है तो 1.5 इंच भी कर सकते हैं आप, बहुत लूज चाहता है तो 2 इंच भी कर सकते हैं, वो आप अकॉर्डिंग टू चॉइस है कस्टमर की, ये आपका अपना तजर्बा खुद बताएगा वहाँ कस्टमर क्या चाहता है। पेट का 47.5 है, ये आ गया 12 × 48 होता है, 1 सूट कम 12 आएगा, 47.5 का चौथाई, 1 सूट कम 12, ये निशान लगा दिया, 1/2 हमने ये लगा लिया निशान यहाँ पर। दोस्तों अब मार्किंग करते हैं, इसको हमने सीधा लाइन खींच दिया शोल्डर की तरफ, इसको शेप देते हुए ये कर्व है, कर्व देते हुए यहाँ मिला दिया। दोस्तों ये हमने जो दामन 14.5 रखा था ये यहाँ से मिला दिया, ये शेप बन गया पेट वाले कुर्ते का। दोस्तों अब हम इसका ये हाली का बनाते हैं, 17 है,
मान लो ये 18 होता, 6 18 दो सूट कम हो जाएगा, 3.5 ही आ रहा है 17.5 में, 3.5 आधा सूट आएगा ये सीधा। इसे हम 1.5 बढ़ती नहीं करते हैं क्योंकि हमारा 1 इंच का यहाँ कट से पट्टी लगेगी वो बढ़ जाएगा, इसे भी 3.5 और आधा सूट एक सूट नीचे ही रखिए। ये आ गया मिलकर शोल्डर डाउन, देखिए दोस्तों यहाँ से हम इस लाइन से करते हैं शोल्डर डाउन 3 इंच। हमने बताया आपको कि हर बॉडी के अलग डाउन होते हैं और अकॉर्डिंग टू बॉडी हमारे 3 इंच है शोल्डर। यहाँ पर शोल्डर का नाप लेंगे 19, आधा इंच बढ़ती रखते हैं, 19 का 20 काटते हैं 10, ये मार्क आया, मिलाते हैं। ये दोस्तों ये देख लेते हैं इसका सीध ये बैठ रहा है, लेकिन नहीं हम इसे 2 तार अंदर आधा इंच यकीनन आधा इंच इसे अंदर लेते हैं, ये बैठा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ। लेकिन अब दोस्तों अब हम करते हैं कि साइज के हिसाब से ये छोटा तो नहीं है, जाहिर है छोटा यूँ होगा कि नॉर्मली 2 इंच गिराते हैं, 2 इंच में तो ये सही बैठता, लेकिन हमने 3 इंच गिराया तो ये छोटा हो जाएगा फंस जाएगा, इसलिए अब इसे हम जितना हमने बढ़ाया इतना नीचे ले लेंगे। ये आएगा ये मुड्डा बैठेगा, ये मुड्डा बॉडी पर सही बैठेगा। यहाँ से 13.5 ले लिया, 6.5 का जेब का निशान, 13.5 रख दीजिए जहाँ कटिंग करते हो आप, 6.5 3 इंच के अबाउट 3 3.5 पर आप ये लगा दिए चेक का निशान। दोस्तों एक ही आ गई, 2 पॉकेट में आ जाएंगी, कॉलर यहाँ लिखते हैं 16 3/4 वेन कॉलर बनेगा, वी बना दिया। दोस्तों ये आपके सामने मार्किंग की आपने बराबर देखी, कटिंग शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोस्तों कटिंग हुई, ये निशान पर कैंची चला दी हमने, काटिए ये काटा, ये दोस्तों हो गया आपके सामने मार्किंग हुई, आपके सामने कटिंग हुई, सीधा सीधा है। अब हम ये कुटकी लगाएंगे बैक के साथ मिलाकर, ये हाला, ये कंधी शोल्डर डाउन, ये मुड्डा बैक बिठाते हैं अभी ऐसे ही, इतना ही फोल्ड कर लेते हैं 14.5 निशान लगा के 14.5। इधर आस्ती नहीं बैठेगी, हमने पहले कॉलर और वो पेस के लिए पट्टी काट दी थी और हम इधर से लेंगे 14.5 से हमने एक सा कपड़ा कर लिया दोस्तों आपके सामने। सामना इसी के ऊपर न्यू ही रख देते हैं एज इट इज मिलाकर, इधर से दोस्तों ये बराबर मिला दिया, ये इस पर बैठा लिया, अभी निशान लगाते हैं। देखिए दोस्तों अब है स्विच,
नॉर्मल कुर्ती में हम 2 इंच रखते हैं, लेकिन इसमें आप 1.5 रखिएगा क्योंकि पीठ ज़्यादा है, बैक लटके नहीं, और 1.5 इंच इसमें हाथ के आदि हाली का नीचे आएगा, 1.5 इस सेंटर से, इससे 1.5 और 1.5 इंच, ये हमने छठा रखा था कॉलर का, 6×18 1.5, ये सूट रखा था 1.5 आधा सूट, ये इधर रख दीजिए बराबर, ये कोटी बना दी 1.5 इधर, 1.5 में हम 2 सूट रिलैक्स देते हैं कंफर्ट के लिए, बैग में हड्डी उठती है कुछ होता है, ये इधर कर देते हैं, ये मिला दिया दोस्तों। जैसा कि हमने उसमें भी बताया था कि ये हिस्सा बड़ा होगा, ये खींचेगा, अब ये देखते हैं कितना है, 7.5 है, तो ऐसे 7.5 हमें काटना है हर हालत में, 7.5 हमें ये बड़ा काटना है, शोल्डर देखते हैं क्या कह रहा है हमारा, 19 है शोल्डर, ये 19 तैयार है, 3 सूट दबेगा, 3 सूट से ज़्यादा कारीगर दबाता नहीं होगा, ये इससे मिला दिए शेप देते हुए, हाथ से मिला दिए आप दुनिया का हेल्प लीजिए, ये शोल्डर का मेजरमेंट आ गया, ये कंधी का भी आ गया, और ये उठाते हुए ये कर दीजिएगा, इससे ज़रा सा फैलाते हुए टाइट डपड़े कुर्ता है, लूज चलेगा, ये दोस्तों ये बैक की मार्किंग हो गई। हमने बताया नॉर्मल कुर्ते में हम जिसका पेट ज़्यादा नहीं होता, बराबर ही होता है, तो 2 इंच उठाते हैं 2 इंच, लेकिन इसमें हमने आपको 2 सूट छोटा रखा है, कटिंग मिलता है, कंधी मिला है, कटिंग करी दोस्तों, ये कटेगा सामने आ रहा है, लेकिन हम इसे छोटा काटेंगे जो लटका हुआ ना दिखे, ये हमने आ गए मिला दिया चौबीस इस जगह पर, जहाँ ही बराबर बैठ रहा है, ये आया आपके सामने, ये खुद के ड्राइव प्रॉफिट के ये चौक बन जाएगा, 2 पॉकेट 1 जेब ऊपर, ये हाला, ये इसकी कोची बैग की, ये इसने देखा हमने 2 सूट बड़ा रखा है, आपको दिखाया ये बड़ा है, ये बड़ा है, जब ये खींचेंगे जब जुड़ाई होगी तो सही जुड़ेगा, ये सामना कटा बैक कटी, ये बैक नीचे वाली, ये सामना, स्लीव काटते हैं दोस्तों, ये देखिए स्लीव, ये आएगी कैतालीस का 1/4 लेते हैं, 1/4 यहाँ से हम कटिंग कर देंगे, 11.5 रख दीजिए, 11.5 से 1.75 ज़्यादा हो जाए कम ना हो, ये आपकी आई स्लीव 24, ये निशान यहाँ से कटिंग करेंगे, और इसे 1/2 इंच ये सूट, ये पहले दबाव छोड़ देते हैं, यहाँ से लेंगे 24 मार्क कर लिया, 24 में 12.5 इसका बॉडी का होल है, 12.5 13 काटेंगे, ये इसका एक जा रहा है, यहाँ से 3 इंच गिरा दिए, ये चली कटिंग यहाँ पे लीजिए, ये इसको मिला दीजिए सीधा कर दीजिए, ये इसको शेप दीजिए इससे, ये शेप आया,
दोस्तों ये काट लिया हमने। हम डाउन करेंगे, ये डाउन कर दिया। पाँच तीन लटके काटिए दूसरी। ये दोस्तों यहाँ मिलेगा, ये हमने मिला दिया। ये किनारा थोड़ा सा आराज दब जाएगा ऊपर नीचे मिलाकर, जैसे करते हैं किनारा भी नहीं आता, इधर भी हो जाता लेकिन उल्टा सीधा हो जाता। इसके बराबर काट दिया आस्तीन का। ये दोस्तों कुट के ला दिया, कारीगर की सहूलत के लिए और इजीनेस ऑफ वर्कर। ये मिल गया, ये आस्तीन कट गई आपकी, ये आगे से कम है पीछे से उठा हुआ है बैक का हिस्सा। ये स्लीव कटी दोस्तों आपको नज़र आ रही है साफ, ये स्लीव रही हमारी। ये कुर्ते का फ्रंट बैक, ये हमने आस्तीन इसमें रखी, कुर्ते में तीरा नहीं होता, ये आस्तीन जो रख दी। और ये खर्चे के लिए कपड़ा रख दिया सारा, टाइट पॉकेट कॉलर और पट्टी चिपका चुके हैं हमारे कारीगर, इसमें से ये बन जाएगी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, कटिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नई नई वीडियोज़ आती रहें। और दोस्तों एक इल्तिजा है कि आप शेयर ज़रूर करें हमारी इस वीडियो को, हो सकता है आपके दोस्तों तक ये पहुंचने के बाद आप भी अजर अजीम का हिस्सा बने। थैंक यू, जजाकल्ला।